Hello friends, welcome to our channel Current Affair Updated. This is Devashish Awasthi. As we are continuing with our polity lecture series, this is lecture number 31st. तो आपको याद होगा पिछले वीडियो में वी हैव कंप्लीटेड डीपीएसपी दैट इज डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी. सो नाउ टुडे जो हमारा लेक्चर है वो है फंडामेंटल ड्यूटीज पर. तो हम आगे बढ़ते हैं डीपीएसपी से नेक्स्ट पार्ट में आते हैं. ठीक है, तो आज हम जो स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर कौन सा है, फंडामेंटल ड्यूटीज. तो लेट्स स्टार्ट विद द फंडामेंटल ड्यूटीज. देखिए पहले कुछ बेसिक फैक्ट्स हैं उनको अपन डिस्कस कर लेते हैं, फिर अपन फंडामेंटल ड्यूटीज में आएंगे. पहली बात, एक बात याद रखिएगा, ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज हैं पहले कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी. मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना अपना, ठीक है, आप सबको पता है कॉन्स्टिट्यूशन कब बना, 26 नवंबर 1949 और एनफोर्स कब हुआ, मतलब लागू कब हुआ, केम इनटू फोर्स कब हुआ, तो आंसर है 26 जनवरी 1950. तो जब ये फंडामेंटल ड्यूटी उस टाइम पर कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थी, ये बाद में ऐड की गई है, तो ये बात जरूर याद रखिएगा. तो चलिए बेसिक फैक्ट से स्टार्ट करते हैं. पहला, ये हमने कहां से ली है, मतलब सोर्स इसका क्या है फंडामेंटल ड्यूटीज का. तो सोर्स जो है इसका वो है यूएसएसआर. दैट इज, अगर ऑप्शन में आपको रशिया लिखा रहेगा तो आप रशिया को चूज कर सकते हैं या यू कैन गो विथ यूएसएसआर. तो हमने यहां से लिया है. ठीक है, सेकेंड पॉइंट, एक बात ये भी है कि स्टार्टिंग में नहीं थी फंडामेंटल ड्यूटी, तो एक्चुअली रीजन ये था, जवाहरलाल नेहरू जो प्राइम मिनिस्टर थे देश के, एक्चुअली ये था नन ऑफ द मेजर डेमोक्रेटिक कंट्रीज वर्ल्ड में, जितनी भी डेमोक्रेटिक कंट्री थी एक्सेप्ट जापान, नो वन हैविंग फंडामेंटल ड्यूटीज. उस टाइम पर किसी भी कंट्रीज में फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं थी, याद रखिएगा, एक्सेप्ट वॉट, जापान. तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में भी जब कॉन्स्टिट्यूशन बना उस टाइम पर फंडामेंटल ड्यूटीज नहीं रखी गई. ठीक है, फिर इसको ऐड कब किया गया, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्चुअली एक कमिटी बनी थी, इसे कहते हैं स्वर्ण सिंह कमेटी. ठीक है, ये कमिटी एस्टैब्लिश की गई कि क्या फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए और होनी चाहिए तो कौन कौन सी फंडामेंटल ड्यूटीज होनी चाहिए. ठीक है, इस कमिटी के रिकमेंडेशन से, ठीक है, उस टाइम पर प्राइम मिनिस्टर देश की इंदिरा गांधी थी. ठीक है, और तो इंदिरा गांधी ने एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट किया जिस अमेंडमेंट का नंबर है 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, जिसको अपन मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं. ठीक है, इस अमेंडमेंट से इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने क्या किया, फंडामेंटल ड्यूटीज को ऐड किया. ठीक है, और जब ये ऐड हुई तो पार्ट फोर तक तो हम डीपीएसपी कर चुके हैं, ये जो पार्ट नया पार्ट आया उसको कहते हैं पार्ट 4A, याद रखिएगा. और जो आर्टिकल ऐड किया गया वो था आर्टिकल नंबर 51A, मतलब एक ही आर्टिकल है, याद रखिएगा 51A. इसी पूरे आर्टिकल के अंदर पूरी फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. ठीक है, और याद रखिएगा ये जो फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, ठीक है, ये थी नॉन जस्टिसिएबल. कहने का मतलब अगर ये कोई ये ड्यूटीज नहीं करता है, ठीक है, तो आप उसके अगेंस्ट कोर्ट नहीं जा सकते. ठीक है, तो याद रखिए दे आर नॉन जस्टिसिएबल इन नेचर. बट एक पॉइंट मैंने यहां पर लिखा है, बट एनफोर्सेबल बाय लॉ. कहने का मतलब कि सरकार चाहे तो इन फंडामेंटल ड्यूटीज को क्या कर सकती है, इन पर लॉ बना सकती है, फिर ये एनफोर्स हो सकती हैं. ठीक है, बट ऐसे अगर लिखी हुई है कोई ड्यूटी तो वो जस्टिसिएबल नहीं है. तो ध्यान रखना, देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन जस्टिसिएबल एंड एनफोर्सेबल. एनफोर्सेबल है बाय लॉ बट नॉट बाय, दे आर नॉट जस्टिसिएबल. तो ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन क्वेश्चन यूपीएससी ऐसे पेपर्स में आ सकता है, आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि दे आर नॉट एनफोर्सेबल बाय लॉ, दे आर एनफोर्सेबल बाय लॉ बट दे आर नॉन जस्टिसिएबल, याद रखिए. तो कितनी फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड की गई, तो जब ये अमेंडमेंट हुआ दैट इज 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड. हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज, 10 फंडामेंटल ड्यूटीज वर एडेड. बट एक और बाद में ऐड की गई फंडामेंटल ड्यूटी, तो टोटल अभी कितनी है, 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं, याद रखिएगा. और जो एक बाद में ऐड की गई है वो ऐड की गई है थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2002. ठीक है, तो इस पॉइंट को आप जरूर याद रखिएगा. तो अब क्वेश्चन किस तरह आते हैं, तो जो मैंने जितने भी फैक्ट्स बताए आपको इससे रिलेटेड ही क्वेश्चन आते हैं. ठीक है, एक तो ये डायरेक्टली आपसे पूछ सकते हैं सोर्स क्या है, किस अमेंडमेंट से ऐड की गई, कौन सा आर्टिकल नंबर है वगैरह. ठीक है, बट एक दूसरा फॉर्म जो क्वेश्चन का है वो ये है, आपको चार फंडामेंटल ड्यूटीज दे देंगे और बोलेंगे इनमें से कौन सी फंडामेंटल ड्यूटी नहीं है. ठीक है, तो आपको ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज जो हैं इनको एक बार गो थ्रू करना पड़ेगा. तो लेट्स गो, हम फंडामेंटल ड्यूटीज को गो थ्रू करते हैं जो 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हैं. देखिए पहली फंडामेंटल ड्यूटी क्या है, और ये जो एक ऐड हुई है ये अभी मैं आपको बताऊंगा एडेड कौन सी है. ठीक है, तो पहली जो फंडामेंटल ड्यूटी थी वो थी टू अबाइड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन. ठीक है, आप कॉन्स्टिट्यूशन को अबाइड करें एंड रिस्पेक्ट इट्स आइडियल्स एंड इंस्टीट्यूशंस. ठीक है, आप उसके जो आइडियल्स हैं, जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं कॉन्स्टिट्यूशन ने, उसकी रिस्पेक्ट करें और नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम की भी आप क्या करें, रिस्पेक्ट करें. ठीक है, आपने देखा होगा सियाचिन ग्लेशियर के टाइम पर जब झंडा फहराया जाता है तो हम उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, तो इट्स अ फंडामेंटल
ड्यूटी, ठीक है। सेकेंड पॉइंट पे आते हैं, टू चेरिश एंड फॉलो द नोबल आइडियल्स दैट इंस्पायर्ड द नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम। कहने का मतलब, आपको पता होगा हमारे नेशनल स्ट्रगल फॉर फ्रीडम में बहुत लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, बहुत लोगों ने हमको इंडिपेंडेंस दिलाई है, तो आप उन सब जितने भी नोबल आइडियल्स हैं जिन्होंने हमको इंडिपेंडेंस दिलाई है, आप उन सबको फॉलो करें और उनकी मेहनत को क्या करें, चेरिश आउट करें। तो याद रखिए, अब इसमें एक डिस्प्यूट है, कुछ हो सकता है महात्मा गांधी को फेवर करें, कुछ हो सकता है भगत सिंह को फेवर करें, बट इसमें ऐसा कुछ नहीं बोला गया है। आप जिसको भी चाहें क्या कर सकते हैं, यू कैन फॉलो एंड चेरिश देयर आइडियाज, याद रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो है, टू अपहोल्ड एंड प्रोटेक्ट द सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। तो दिस, ये तीन पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं प्रीएम्बल में, तो याद रखिएगा, आपको प्रोटेक्ट करना है, अपहोल्ड करना है देश की सॉवरेनिटी, यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। तो ये तीन फंडामेंटल ड्यूटीज हैं आपकी। चलिए हम फोर्थ फंडामेंटल ड्यूटीज में मूव करते हैं, टू डिफेंड द कंट्री, ठीक है, आपको कंट्री को डिफेंड करना है, एंड रेंडर नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। मतलब अगर आपको कभी बुलाया जाता है देश की रक्षा करने के लिए, तो आप उसके लिए हमेशा रेडी रहें, एंड यू शुड ऑलवेज बी क्या लिखा, टू गिव नेशनल सर्विस व्हेन कॉल्ड अपॉन टू डू सो। तो याद रखिएगा, यू ऑलवेज रेडी विद दैट। नेक्स्ट जो है फंडामेंटल ड्यूटी, वो है टू प्रमोट हार्मनी, ठीक है, एंड स्पिरिट ऑफ कॉमन ब्रदरहुड, ठीक है, कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग्स बढ़ाएं अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया, क्योंकि हमारे, आपको पता है, रिलीजियस, लिंग्विस्टिक, रीजनल और सेक्शनल डाइवर्सिटी है, तो ध्यान रखना अलग अलग, हम बहुत डाइवर्स कंट्री हैं, तो हमारे यहाँ कॉमन ब्रदरहुड की फीलिंग को क्या करना चाहिए, हमें प्रमोट करना चाहिए। एंड रिनाउंस, ये पॉइंट याद रखिएगा, रिनाउंस मतलब होता है छोड़ना, एंड टू रिनाउंस प्रैक्टिसेस दैट आर डेरोगेटरी टू द डिग्निटी ऑफ वुमेन, मतलब ऐसी प्रैक्टिसेस जिससे वुमेन की डिग्निटी खत्म हो रही है या कम हो रही है, वैसी प्रैक्टिसेस को आप क्या करें, खत्म करें। तो ये है अपनी फिफ्थ फंडामेंटल ड्यूटी। विल मूव टू सिक्स फंडामेंटल ड्यूटी। सिक्स क्या है, टू वैल्यू एंड प्रिजर्व रिच हेरिटेज ऑफ कंट्री एंड कंपोजिट कल्चर। अपने हेरिटेज और अपने कल्चर को आप क्या करें, दैट इज प्रिजर्व करें। जैसे आजकल आप देखते हैं हमारे मॉन्यूमेंट्स हैं, उस पर आप लोग कुछ लिख आते हैं, तो ऐसी चीजें ना करें, ठीक है। हमारे कल्चर को, हमारे हेरिटेज को आपको प्रोटेक्ट करना है, ठीक है। नेक्स्ट है टू प्रोटेक्ट एनवायरमेंट, आप एनवायरमेंट को प्रोटेक्ट करें, जिसमें फॉरेस्ट, लेक, वाइल्ड लाइफ सब कुछ आता है, एंड कंपैशन फॉर द लिविंग बींग्स, ठीक है। तो जितने भी लिविंग बींग्स हैं उनके लिए आपको एक कंपैशन की फीलिंग आनी चाहिए, कंपैशन इज अ वैल्यू, याद रखिए। तो यू हैव अ कंपैशन टूवर्ड्स द लिविंग बींग्स, ठीक है। नेक्स्ट, टू डेवलप साइंटिफिक टेम्पर। साइंटिफिक टेम्पर मतलब, आप जैसे झाड़ फूक होता है आजकल, ठीक है, सुपरस्टिशन होता है, सुपरस्टिशियस चीजें होती हैं, तो उन चीजों को फॉलो ना करें, हर चीज का साइंटिफिक रीजन ढूंढें। तो यू शुड डेवलप व्हाट, साइंटिफिक टेम्पर, ठीक है, अंधविश्वास की ओर मूव ना करें, एंड ह्यूमैनिज्म एंड स्पिरिट ऑफ इंक्वायरी एंड रिफॉर्म, ठीक है। ऑलवेज बी रेडी फॉर एनी इंक्वायरी, अगर आप पे कोई इंक्वायरी होती है या कोई रिफॉर्म्स आते हैं, तो यू शुड शो अ पॉजिटिव इंटरेस्ट, ठीक है। अब ऐसा ना हो कि कोई रिफॉर्म आए तो आप उस चीज को दूर भागे उस रिफॉर्म से, यू शुड ऑलवेज वेलकम द रिफॉर्म्स, और कोई भी इंक्वायरी भी होती है तो यू शुड वेलकम दैट थिंग, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, टू सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। आजकल आपने देखा होगा कुछ भी प्रॉब्लम होती है, सबसे पहले पब्लिक प्रॉपर्टी में आग लगा देते हो, ठीक है। तो यू शुड सेफगार्ड द पब्लिक प्रॉपर्टी एंड टू ऑब्जर्व वायलेंस, और वायलेंस को खत्म करें, वायलेंस ना करें, और ध्यान रखिएगा पब्लिक प्रॉपर्टी को सेफगार्ड करें। नेक्स्ट पॉइंट, टेंथ फंडामेंटल ड्यूटी, टू स्ट्राइव टुवर्ड्स द एक्सीलेंस इन ऑल स्फीयर ऑफ इंडिविजुअल एंड कलेक्टिव एक्टिविटी, ठीक है, सो दैट नेशन कॉन्स्टेंटली राइजेस टू द हायर लेवल ऑफ एंडेवर एंड अचीवमेंट्स, ठीक है। तो हम सब, हर इंडिविजुअल अपने मैक्सिमम जितना दे सकता है आउटपुट वो दे, मतलब आप अपने एक्सीलेंस की ओर मूव करें इन ऑल स्फीयर्स ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर आप मैक्सिमम की ओर मूव करेंगे तो ऑटोमेटिकली द नेशन विल ऑल्सो राइज हायर। तो रिमेंबर, तो ये थी अपनी 10 फंडामेंटल ड्यूटीज। जो 11th फंडामेंटल ड्यूटी है वो एडेड है, मतलब बाद में ऐड की गई है, मैंने आपको बताया थ्रू 86 कॉन्स्टिट्यूशनल एक्ट 2002। इसमें ये बोला गया है टू प्रोवाइड अपॉर्चुनिटीज फॉर द एजुकेशन टू हिज चाइल्ड बिटवीन 6 to 14 years, मतलब हर माँ बाप को अपने बेटे को या बेटी को 6 to 14 years के बीच में एजुकेशन प्रोवाइड करनी चाहिए। ये एक फंडामेंटल ड्यूटी है, ठीक है। और जो लास्ट, एक सबसे ऊपर, मैंने, आप नोटिस करें, मैंने एक पॉइंट ऊपर लिखा हुआ है, दैट इज फंडामेंटल ड्यूटीज आर ओनली फॉर द सिटीजन ऑफ इंडिया। देखिए, फंडामेंटल ड्यूटीज सिर्फ सिटीजन ऑफ इंडिया पे लागू होती है, ठीक है। दीज आर नॉट एनफोर्सेबल फॉर, आप ये फॉरनर्स के लिए नहीं होती है, ठीक है। तो दे आर ओनली अवेलेबल फॉर हुम, सिटीजन ऑफ
इंडिया। तो ये 11 फंडामेंटल ड्यूटीज हमने कर ली है। जैसे कुछ फंडामेंटल ड्यूटीज पूछ लेते हैं, पेइंग टैक्सेस, तो क्या मैंने ऐसा कुछ बताया यहां पर? नहीं बताया। तो पेइंग टैक्सेस इज नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। फिर दूसरा आपका हो सकता है फैमिली प्लानिंग, वो भी मैंने नहीं बताया, इट इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। राइट टू वोट, वोट करना इज ऑल्सो नॉट अ फंडामेंटल ड्यूटी। ये सुन के लगता है कि हाँ ये फंडामेंटल ड्यूटी होगी हमारी, बट एक्चुअली दीज आर नॉट योर ड्यूटीज। तो रिमेंबर ये 10 जो मैंने 11 फंडामेंटल ड्यूटीज बताई हैं, आप उसको दिमाग पे रखें कौन सी हैं, क्योंकि इसमें से ऑप्शंस के थ्रू आपको पहचानना आ सकता है, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारा जो टॉपिक है फंडामेंटल ड्यूटीज का कंप्लीट होता है, पार्ट 4A कंप्लीट कर लिया हमने। जो अगला चैप्टर हमारा होगा, मैंने लिख भी दिया है कौन सा है, वो होगा अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। ये अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता क्या है, तो हम नेक्स्ट वीडियो में अपने आएंगे अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसको जरूर लाइक सब्सक्राइब और शेयर करें, और अगर आपको नोट्स चाहिए हो इनके पॉलिटी या अदर सब्जेक्ट्स के, तो आप नीचे दिए गए नंबर पर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।